अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मोहम्मद अनस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इटालियन ड्रीम्स। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। बड़े दिनों के बाद वीडियो बन रही है बिकॉज वी वर बिजी ऑन अवर क्लाइंट्स। तो हमारे क्लाइंट्स के अल्हम्दुलिल्लाह सबके एडमिशन्स आ चुके हैं उनकी डिज़ायर यूनिवर्सिटी में, और क्योंकि अब एडमिशन के स्टेप से जो है वो स्टडी इन इटली का प्रोसेस आगे निकल चुका है। और उम्मीद करता हूँ मैं कि बाकी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने डिफरेंट इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था उनके भी एडमिशन आ चुके होंगे। तो उसके बाद फिर अगर आप कराची से बिलोंग करते हैं तो उसके बाद सीमिया का प्रोसेस होता है, अदरवाइज़ आपका प्री इनरोलमेंट का प्रोसेस होता है। तो इस वक्त जो है वो मेजरली स्टूडेंट्स जो है वो प्री इनरोलमेंट के प्रोसेस को परसू कर रहे हैं, क्योंकि प्री इनरोलमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 20-25 डेज पहले जो है वो ओपन हो चुकी है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि प्री इनरोलमेंट क्या होती है तो एक प्रीवियस हमारी स्टडी इन इटली की वीडियो बनी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और एक्चुअली प्री इनरोलमेंट होती क्या है। इसके अलावा सीमिया की भी हमने जो है वो एक बड़ी प्रिसाइज बड़ी ब्रीफ वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं। सीमिया क्योंकि लास्ट 7-8 मंथ से सस्पेंडेड था, बट रिसेंटली ऑलमोस्ट 20-25 डेज पहले जो है इसने दोबारा से जो है वो सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं। तो इसके ऊपर हमने अभी वीडियो नहीं बनाई है, एज आई मेंशनड वी वर बिज़ी। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी जो है वो वेरी सून हमारे चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड हो जाएगी। बट ये कि आप जस्ट हाउ नो लेने के लिए हमारी वो बड़ी प्रिसाइज वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो गाइस आज हम बात करेंगे वीज़ा फाइलिंग के ऊपर। तो आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर जो है वो वीज़ा फाइलिंग हमने जेरीज के थ्रू किया करते थे, और उससे पहले भी जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जेरीज के पास ही था। बट इस साल जो है वो चीज़ें हो गई हैं चेंज, इस बार हम वीज़ा फाइलिंग करेंगे BLS इंटरनेशनल के थ्रू। अब ये बिल्कुल नई चीज़ है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि भाई BLS इंटरनेशनल के थ्रू कैसे करनी है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम होगा ऐसा, और इवन हमें भी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट यह है कि हमारे पास जो है वो एक कराची की BLS इंटरनेशनल की एक्सपेक्टेड चेकलिस्ट मौजूद है वीज़ा फाइलिंग की, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ड्यूरिंग योर वीज़ा फाइलिंग। तो चलें इसी को शुरू करते हैं, आज की वीडियो इसी के ऊपर है। तो गाइस सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है जो आपको वीज़ा फाइलिंग के लिए चाहिए होगा, दैट इज़ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो वीज़ा फॉर्म डी होता है, ये कराची काउंसलेट की अपनी वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जस्ट वहाँ से जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप इसको मैनुअली ब्लैक पेन से जो है वो फिल आउट करें, या आप इसको जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम पर बैठ के वर्ड के ऊपर जो है वो फिल आउट करें, इट्स अप टू यू, इससे कोई कंसर्न नहीं होता। बट एक प्रेजेंटेबल फॉर्म ये होती है कि आप इसको जो है वो सिस्टमैटिक फिल आउट करें और उसके बाद सबमिट करें, ठीक है। इसमें जस्ट आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, अदरवाइज़ हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे कि जिन स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टीज आ रही हों वो हमारी वीडियो से हेल्प ले सकें। अच्छा, सेकंड चीज़ होती है CNIC की कॉपी ऑन A4 साइज़। अब A4 साइज़ पे CNIC की कॉपी का मतलब ये होता है कि आपका एक जो A4 का पेपर होता है, जस्ट ब्लैंक पेपर लाइक दिस, अब इसमें आप ऊपर जो है वो आपका फ्रंट हो NIC का, और इसी पेज पे नीचे जो है वो आपका बैक आ रहा, ठीक है, आप आगे पीछे डुप्लीकेट जो है वो आपका NIC ना हो, इस NIC के फ्रंट जो है वो भी इसी A4 के पेपर पर हो और उसका बैक भी जो है वो आपके A4 के पेपर पर हो। ये होती है CNIC कॉपी ऑन A4 साइज़। अच्छा, इसके बाद आपको चाहिए होता है मोटिवेशनल लेटर या कवर लेटर। अब ये मोटिवेशनल लेटर कवर लेटर में आप जो है इसको भी हम आपको आगे जाके एक डिटेल वीडियो बता देंगे कि हाउ टू राइट कवर लेटर फॉर वीज़ा फाइलिंग, बट ये कि मैं ब्रीफली बता देता हूँ, इसके अंदर आप जो है वो अटेंशन करते हैं, आप जो है वीज़ा ऑफिसर को और इटालियन काउंसुलेट को जो है वो आप एड्रेस करके एक कवर लेटर लिखते हैं जिसमें बताते हैं कि भाई मेरा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, मैं जो है वो इतने ईयर के प्रोग्राम के लिए जाना चाहता हूँ, मेरा प्रोग्राम ये है और ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने अपनी वीज़ा फाइलिंग के लिए लगाई हैं, एंड दैट्स ऑल, जिसमें आप अपनी जो है ना डिटेल देते हैं, अपनी मोटिवेशन शो करते हैं इटालियन स्टूडेंट वीज़ा के लिए, ठीक है। इसके बाद चाहिए होते हैं टिकट। अब टिकट इट्स अप टू यू कि आप टिकट जो है वो डमी टिकट शो करें या फिर आप रियल टिकट परचेज करके वो शो करें। अगर फॉर सपोज आपका वीज़ा नहीं भी लगता तो जब आप उसको आप कैंसिल करवाने जाएंगे तो आपकी 10-20% डिडक्शन होगी टोटल अमाउंट की। तो इट्स बेटर कि आप अपने रियल टिकट शो करें, क्योंकि अगर रियल टिकट से आपका केस बहुत स्ट्रांग हो जाता है
और अगर इन केस अल्लाह ना करे आपका वीज़ा नहीं भी लगता, तो सिर्फ 10-20% जो है वो आपके टोटल अमाउंट से डिडक्शन होती है आपके टिकट कैंसिलेशन की, ठीक है। तो इट्स रिकमेंडेड कि आप जो है वो रेल टिकट कराएं। अच्छा, इसके बाद आता है आपकी होटल वन मंथ अकोमोडेशन प्रूफ। अब अकोमोडेशन का प्रूफ यह है कि अगर आप इसको पूरे महीने की होटल बुकिंग करते हैं अपने किसी भी डिज़ायर सिटी के अंदर, अगर आप वेनिस में हैं, अगर आप सियाना में हैं, आप अगर फ्लोरेंस में हैं, तो मिनिमम आपकी जो है वो 5-6 लाख रुपए जो है वो लग जाते हैं होटल बुकिंग के अंदर। तो इसके लिए ये होता है कि इसके लिए आप जो है वो डमी होटल रिजर्वेशन करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, booking.com हो गई जैसे, वहाँ पर भी आप डमी होटल बुकिंग कर सकते हैं और ये एक्सेप्टेबल होती है। मतलब वीज़ा ऑफिसर को भी और जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं जिनको आप जमा करवाते हैं वीज़ा फाइलिंग, सबको पता होता है कि भाई स्टूडेंट ने जो है वो डमी वीज़ा बुकिंग करी है, इसने 5-6 लाख रुपए नहीं लगाए होंगे, सॉरी इसने जो है ना वो डमी अकोमोडेशन करी है, इसने 5-6 लाख रुपए नहीं लगाए होंगे, ये डमी है। अगर उसको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है तो फिर वो इस डमी को जो है वो रियल बुकिंग के अंदर कन्वर्ट करवा सकता है, अदरवाइज़ ये डमी होती है और सबको पता होता है। तो आप लोग भी ये डमी होटल बुकिंग करवा सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आप डमी होटल बुकिंग कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है इंश्योरेंस वन ईयर। आपको जो है वो वन ईयर का मेडिकल एंड हेल्थ इंश्योरेंस शो करना पड़ता है पूरे शेंजन का, स्पेशली इटली का, ठीक है। अब जब आप जेरीज़ के थ्रू किया करते थे तो जेरीज़ ने एक लिस्ट दी हुई थी जिसके अंदर ऑलमोस्ट 13-14 इंश्योरेंस प्रोवाइडिंग कंपनीज़ थी कि आप इनके थ्रू करवा सकते हैं। और जबकि BLS ने भी अभी दी है, BLS ने अपडेट करा हुआ अपनी वेबसाइट के ऊपर इटालियन स्टूडेंट वीज़ा के लिए कि आप इन इंश्योरेंस कंपनीज़ के थ्रू जो है वो ये सर्विस ले सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल है। उसके अंदर 5-6 इंश्योरेंस कंपनीज़ है तो आप उनके थ्रू ये इंश्योरेंस सर्विस ले सकते हैं। अदरवाइज़ हम भी इस चीज़ का डमी फ्लाइट बुकिंग का, डमी होटल रिजर्वेशन का और इंश्योरेंस का काम करते हैं। अगर आप कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम अपना ईमेल एड्रेस academia.consultancy01@gmail.com डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर देंगे, आप वाया ईमेल हमें अप्रोच कर सकते हैं और हमसे भी ये तीनों चीज़ें फ़्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग और इंश्योरेंस हमसे अवेल कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं प्री इनरोलमेंट समरी। जिन लोगों ने यूनिवर्सिटारी पोर्टल के ऊपर प्री इनरोलमेंट करवा लिया उनको पता होगा कि प्री इनरोलमेंट समरी क्या होती है। वंस योर प्री इनरोलमेंट बीइंग एक्सेप्टेड तो फिर आप जो है वो अपनी प्री इनरोलमेंट पे जाके वहाँ से एक समरी डाउनलोड करते हैं जिसे प्री इनरोलमेंट समरी बोलते हैं। उसको आपको साइन करके वीज़ा फाइल के साथ लगाना होता है और सबमिट करनी होती है। इसके बाद कराची काउंसुलेट की, क्योंकि ये चेकलिस्ट है तो इसमें सीनियर लिखा हुआ, यानी कि देयर इज़ नो चांस ऑफ DOV। तो DOV जो लोग इस कन्फ्यूजन में थे कि क्या अब प्रोसेस चेंज हो गया है PLS का और जेरीज़ का, तो क्या DOV एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, तो DOV का कोई चांस नहीं है। आप लोगों को कराची वालों को सीमिया के लिए ही जाना पड़ेगा, कराची और बलूचिस्तान, मतलब सिंध और बलूचिस्तान वालों को। अच्छा, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं फ्रंट एंड बैक, अटेस्टेड फ्रॉम IBCC, HEC, MOFA इफ़ यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड एंड देयर कॉपीज़। यानी कि आपको कॉपीज़ अटेस्ट नहीं करवानी। हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें क्या इन सारी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ से जो है अपनी कॉपीज़ भी अटेस्ट करवानी है। तो कॉपीज़ अटेस्ट नहीं करवानी, यू जस्ट हैव टू अटेस्ट योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसके बाद आपको जो है वो उसकी कॉपीज़ करवा लेनी है अच्छे फोटोकॉपियर से, ताकि आपकी उन कॉपी के अंदर कोई भी जो है वो मिसप्रिंटिंग ना हो। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आपको अपने मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट IBCC से अटेस्ट करवाने, फर्स्टली तो अपने रेलिवेंट बोर्ड से करवाने और उसके बाद आपको IBCC से करवाने, और आपके जो बैचलर्स के डॉक्यूमेंट हैं, आपकी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ डिग्री, आपको अपने पहले यूनिवर्सिटी से करवानी है, देन पर आपको वो HEC से करवानी है। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं MOFA, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से करवाने, इंक्लूडिंग योर FRC। FRC क्या है ये मैं आपको आगे बताता हूँ, अभी चेकलिस्ट के अंदर इसका आगे पॉइंट है। उसके बाद आपको इटालियन ट्रांसलेशन इफ़ यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड। तो मैं नहीं समझता किसी यूनिवर्सिटी की, सिवाय एक या दो यूनिवर्सिटीज़ के अलावा, किसी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इटालियन ट्रांसलेशन चाहिए। DOV के लिए इटालियन ट्रांसलेशन चाहिए, बट फॉर वीज़ा फाइलिंग आपको इसकी नीड नहीं है। तो आप कराची वालों को इसके लिए कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को इटालियन ट्रांसलेशन की कोई नीड नहीं है। आगे चलते हैं, डोमिसाइल चाहिए आपको और आइल्स या प्रोफिशंसी लेटर चाहिए आपको, और इसके अलावा स्पॉन्सर फॉर्म चाहिए आपको। स्पॉन्सर फॉर्म आप खुद भी बना सकते हैं वर्ल्ड के ऊपर, अदरवाइज़ आपको PLS इंटरनेशनल से भी एक फॉर्म मिलेगा जिसमें जस्ट आपके स्पॉन्सर की डिटेल होगी कि हु इज़ योर स्पॉन्सर और आपके स्पॉन्सर की आपके ऑक्यूपेशन क्या है आपके स्पॉन्सर का, आपके स्पॉन्सर की मंथली और एनुअली इनकम कितनी है,
तो बस ये कुछ बेसिक डिटेल्स होंगे आपके स्पॉन्सर की, आपके पहले फादर हों या आपके बड़े ब्रदर हों, तो आप उनकी डिटेल उसके अंदर फिल आउट कर सकते हैं, या फिर आप इसको ना एक वर्ड के ऊपर भी बना सकते हैं स्पॉन्सर डिटेल के नाम से। तो फिर आप जस्ट ये एक वर्ड का डॉक्यूमेंट ही होता है, उन्होंने अपना फॉर्मेट दिया हुआ होता है, आप अपने फॉर्मेट के हिसाब से भी इसको लेके जा सकते हैं और सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद होता है स्पॉन्सर एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, यानी कि वो एक जो है वो स्टैम्प पेपर के ऊपर जो एक एफिडेविट बनता है कि ये मेरे फादर हैं, इनकी एनुअल इनकम इतनी है और इनका जो है वो ऑक्यूपेशन ये है, और ये मुझे जो है वो मेरी स्टडीज़ के लिए 2 ईयर्स के मास्टर्स के लिए ये मुझे स्पॉन्सर करने वाले हैं। ये पूरा एक फॉर्मेट होता है और ये भी हम आपको बता देंगे, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे ताकि उन लोगों के लिए आसानी हो जाए जो लोग कन्फ्यूजन में हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स ऐड करनी है, तो वो हमारे उस वीडियो से जो है वो फॉर्मेट ले सकते हैं। तो उसके अंदर सिर्फ यही चीज़ें होती हैं और इसमें ये लिखा हुआ होता है कि मैं अपने, अगर आपके फादर आपके स्पॉन्सर हैं तो वो उसमें लिख रहे होते हैं कि मैं अपने बच्चे का स्पॉन्सर हूँ और मैं इसके सारे लिविंग एक्सपेंस, अकोमोडेशन एक्सपेंस और अपने फाइनेंशियल यूनिवर्सिटी एक्सपेंस जो है वो मैं बियर करूँगा यहीं से, पाकिस्तान से। उसके बाद लिखा स्पॉन्सर आईडी एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, मतलब उसके अंदर आपके स्पॉन्सर का पासपोर्ट अगर है तो पासपोर्ट लगता है, अदरवाइज़ आपके स्पॉन्सर का जो है वो NIC लगता है और कॉन्टैक्ट डिटेल लगती है लाइक ईमेल एड्रेस, उनका पर्सनल, उनका ऑफिशियल नंबर लगता है, ये सब चीज़ें लगती हैं। इसके अलावा लगता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, बैंक स्टेटमेंट की मेरी 2 वीडियोज़ बन चुकी हैं, आप जाके प्रीवियसली देख सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लगती है 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट विद अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। ये मैं ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 वीडियोज़ बना चुका हूँ, आप वो वहाँ जाके देख सकते हैं कि आपको कैसे अपनी बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करना है, आप उसमें कैसे डेबिट्स और क्रेडिट्स कर सकते हैं और व्हाट इज़ अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है आपके स्पॉन्सर के जो है वो बिज़नेस और जॉब डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर आपके स्पॉन्सर का बिज़नेस है तो आपके स्पॉन्सर के बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, और अगर आपके स्पॉन्सर जो है वो सैलरीड पर्सन है, जॉब करते हैं, तो फिर उसके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसकी भी वीडियो बनी हुई है उसी बैंक स्टेटमेंट के अंदर, तो आप जब वो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको इस वाले सेक्शन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो नादरा डॉक्यूमेंट्स, लाइक आपका इसमें अब आ जाता है FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट MRC, ठीक है। अब अगर आप मैरिड हैं और आपका स्टेटस चेंज हुआ हुआ है मैरिजल स्टेटस, तो फिर आप इसमें लगाएंगे MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अदरवाइज आप लगाएंगे FRC। अगर आपको आपके फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं तो फिर आप FRC लगाएं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि उसमें फिर आपके जो है ना वो फादर से रिलेशन आपका और आपकी मदर से, आपके सिबलिंग से सबसे जो है वो आपका रिलेशन आ रहा होगा। तो ये होता है और ये भी आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाना होता है, एज आई मैंशनड अर्लियर। इसके बाद जो है वो आपको अपने पासपोर्ट चाहिए होता है, पासपोर्ट की कॉपीज चाहिए होती हैं, पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए एक्सपायरी से। अगर आप जुलाई में वीज़ा फाइल सबमिट करने जा रहे हैं तो दिसंबर या दिसंबर के बाद की आपकी जो है वो एक्सपायरी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट की, और आपको आपके पासपोर्ट की कॉपीज़ चाहिए। जैसे मैंने CNIC की कॉपी बताई थी आपको कि आपके पास एक A4 का पेपर है और यहाँ पे जो है वो आपका फ्रंट आएगा CNIC का और यहीं पे बैक आएगा, तो ऐसे ही जो फर्स्ट एंड सेकंड पेज है आपके पासपोर्ट के वो यहाँ आएंगे और थर्ड एंड फोर्थ पेज जो है वो यहाँ आएगा। सेकंड पेज, फर्स्ट पेज पे इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपका, आपके नाम, आपके क्रेडेंशियल्स होते हैं, सेकंड पेज के ऊपर आपको पता होगा आपके सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, फिर थर्ड और फोर्थ पेज जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये सारी डिटेल होती है। इसके अलावा आपको चाहिए होती है 4 पिक्चर्स। अब पिक्चर्स की डायमेंशंस, पिक्चर्स की जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो BLS इंटरनेशनल की अपनी वेबसाइट पे डले हुए हैं कि वो कैसे होने चाहिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 3.5x4.5 की आपकी एक पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर होनी चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए, विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए, और कोशिश करें कि आप अपनी रीसेंट फोटोग्राफी उसमें अटैच करें। लाइक अगर आपके आपके अगर लंबे बाल हैं तो फिर आप वही वाली जो है वो अपनी पिक्चर अटैच करें, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर आपकी बियर्ड बड़ी है तो फिर आप वही वाली पिक्चर अटैच करें। तो वैसे तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आपके पासपोर्ट पर जो पिक्चर है ऑलमोस्ट वैसे ही गेटअप करके आप दोबारा से पिक्चर जो है वो अपनी रीसेंट पिक्चर जो है वो कैप्चर करवाएं और वही अपनी वीज़ा फाइलिंग के साथ लगाएं ताकि आपका प्रोसेस जो है वो स्मूथ और स्ट्रीमलाइन रहे। तो गाइज़ ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो एक्सपेक्टेड थे कि इस 2024 के अंदर जो है वो BLS इंटरनेशनल कराची के अंदर जो है वो आप लोगों को चाहिए होंगे फॉर वीज़ा फाइलिंग। इसके अलावा कोई भी न्यू अपडेट, कोई भी चीज़ अगर हमें पता लगती है
तो इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो। और इसके अलावा आप लोगों को चीज़ पता लगती है तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि सर इस बार जो है वो ये चेंजेस और एक्सपेक्टेड है। वैसे तो 90-95% जो है वो चेकलिस्ट यही रहेगी, इसमें कोई और चेंजेस नहीं होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि चेकलिस्ट यही रहे और आप इसी हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स को भी प्रिपेयर कर लें। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों के सपोर्ट का, आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके दूसरे स्टूडेंट्स तक, दूसरे कैंडिडेट्स तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।